कि इल्म अंबिया की वरासत है, इल्म आसमानी नूर है, अक्ल अल्लाह की नेमत है जिससे आदमी इल्म के समझने और उसके बरतने का सलीका सीखता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी अक्ल ही को बुनियाद बना ले तो फिर वो बात मैंने कही ना कि फिक्र को अल्लाह ने उसकी तारीफ भी की है और मजम्मत भी की है। और जो आदमी ये फर्क ना करे तो फिर आदमी फिक्र की गुलामी के नाम पर अल्लाह ताला की बंदगी के दायरे से निकलता चला जाएगा। इस्लाम की तर्जुमानी का हक उलमा को सिर्फ हासिल होगा। दुनिया में दीगर मजाहिब में यह हो सकता है कि कोई भी आदमी मुफक्किर किस्म का जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, अपनी मेहनत लगाता है, वो किसी भी दीन के बारे में बोले तो उसकी बात, उसकी राय का एक वजन होगा। लेकिन अगर इस्लाम के बारे में बात होगी तो किसी भी मुफक्किर की राय सिर्फ राय होगी, वो इस्लाम नहीं हो सकता है। फिक्री किताबें पढ़ने वाले अफराद के अंदर इल्म से रिश्ता कमजोर हो जाता है, वो इल्मी किताबों से फिर रिश्ता नहीं जोड़ पाते, इल्मी किताबों पर से उनकी रगबत बाकी नहीं रह जाती। और इसका ताल्लुक वहीं से है, आदमी जब अक्ल की गुलामी करने लगता है ना तो फिर नुसूस की गुलामी उसे भारी पड़ने लगती है। और उसी का असर है कि जो नस्ल फिक्री किताबों पे तरबियत पाती है वो इल्मी किताबों से अपना रिश्ता मजबूत कभी नहीं रख सकती। सबसे बड़ा नुकसान है ये। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد میرے ذمے جو عنوان ہے وہ دراصل شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کا ایک کتابچہ ہے اور وہ کتابچہ بھی اصل میں ان کا اپنا ایک لیکچر ایک محاضرہ ہے जिसका उन्वान है अल्फिक्र वल इल्म। अल्फिक्र वल इल्म, सबसे पहले तो शेख साले आलुश्शेख असर हाजिर के उम्मत के किबार उलमा में से एक है। हमारे बाज बड़े उलमा, हिंदुस्तान के बाज बड़े उलमा की ज़बानी शेख साले आलुश्शेख के बारे में ये तबसरा मैंने सुना था और मुझे याद है कि कदीम दौर में खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के बारे में ये कहा जाता था कि अगर वो खलीफा ना होते अब्दुल मलिक इब्ने मरवान तो उम्मत के जो बड़े बड़े उलमा, जैसे इमाम औज़ाई का ज़िक्र आता है, इमाम जहरी का तज़किरा आता है, ऐसे बड़े उलमा में से होते। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान को जिस किस्म की इल्मी सलाहियतों से नवाजा था उनका लाजिमी नतीजा ये लगता था कि अगर वो उमूर ममलकत में मशगूल ना होते तो वक्त के बड़े उलमा में से होते। शेख साले आलुश्शेख के बारे में उनका तबसरा ये था कि शेख उस वक्त वज़ीर शऊन इस्लामिया थे, सऊदी अरब के साबिक वज़ीर शऊन इस्लामिया रहे हैं। अगर वो इन मामलात में ना रहकर शेख इब्न उज़ैमीन की तरह या दीगर उलमा की तरह सिर्फ दुरूस में मशगूल होते तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह इन उलमा के अपने शागिर्दों का एक मदरसा है मुस्तकिल, शेख साले आलुश्शेख का भी ऐसा ही एक मदरसा या तलबा की एक फ़ौज, एक जमात उनकी होती। मैंने नाम ये शेख साले आलुश्शेख के हवाले से ये बात क्यों आपके सामने ज़िक्र की, इसलिए कि जिस उनवान पर उन्होंने गुफ्तगु फरमाई है ये उनवान ऐसी ही किसी शख्सियत का तकाजा करता है। यानी इस उनवान पर गुफ्तगु करने के लिए फ़िक्र और इल्म, ये क्या है, फ़िक्र की हकीकत क्या है, इल्म की हकीकत क्या है,
और दोनों कहाँ मिलते हैं, कहाँ जुदा होते हैं, खैर इसमें कहाँ है, शर इसमें कहाँ है, ये तहलील तज़िये का मौजू है। और ऐसी तहलील और तज़िये के लिए शख्सियत का उस कदर काबिल होना ज़रूरी है, उस कदर अजीम होना ज़रूरी है कि जिनकी नज़र में दोनों के दोनों पहलुओं का पूरा पूरी तरीके से इहाता हो, इदराक हो। शेख साले आलु शेख इस एतबार से कि फ़ी नफसी ही एक इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखने के साथ तालिब इल्मी के ज़माने से एक मिसाली तालिब इल्म की हैसियत से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी उन्होंने कई मसाइल में मुनाकशा किया, वो सारी चीज़ें जहाँ वो इल्मी काबिलियत रखते थे, वज़ीर उश्शून इस्लामिया बनने के बाद जो उनकी अपनी ज़मीनी हकीकतों से वाकिफियत है वो भी इंतहाई गैर मामूली वाकिफियत थी। मुख्तसर ये कहना चाह रहा हूँ कि एक अजीम शख्सियत, इल्मी शख्सियत शेख साले आलु शेख हफिज़हुल्लाह की, उन्होंने इस मौजू पर गुफ्तगू की और गुफ्तगू करके एक बड़ा ही मुफीद लेक्चर उन्होंने दिया और उसकी इफादियत का अंदाज़ा आप लगाएं, वो था तो एक लेक्चर लेकिन उसे मुस्तकिल एक किताबजे की शक्ल देकर शाये किया गया, लोगों ने उस पर मुस्तकिल दुरूस दिए, लोगों ने उस पर मुस्तकिल बुनियाद रखकर कई जगह दौरात में उसको पढ़ाया है। ये इस रिसाले की और रिसाले के लिखने वाले की अहमियत को बताने वाली चीज़ है। अल-फिक्र वल-इल्म इसका उन्वान क्या है, इसका मौजू क्या है, इसमें क्या चीज़ बताई है शेख ने? दो चीज़ें हैं जिनको हम आम जबान में कह दो हैं, दो तबकात हैं, एक कहते हैं उलमा और दूसरे हम कहते हैं मुफक्किरीन। उलमा और मुफक्किरीन, और आप अगर अवामुन्नास में से जो ज़रा पढ़े लिखे लोग हैं उनके दरमियान उठने बैठने लगें तो उनके पास ये दो तबकात का वाज़ह फ़र्क है। यानी हत्ता के लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये आलिम है, बहुत मुस्तनद आलिम दीन है, बड़े बुलंद पाया आलिम है, बहुत मजबूत इल्म वाले हैं लेकिन मुफक्किर नहीं है। और वहीं उन किसी के मुकाबले उनके मुकाबले में कहते हैं कि आदमी के अंदर बड़ी फिक्री सलाहियतें बहुत हैं। ये दो तबकात असल में लोगों के दरमियान जो है मशहूर हुए, लोगों के अंदर रिवाज पाया, हत्ता के लोगों ने उलमा और मुफक्किरीन को दो जमातों की शक्ल में देखना शुरू किया। और उससे बड़ा मसला ये हुआ कि लोगों ने मुफक्किरीन को उलमा का बदील समझना शुरू कर दिया, उलमा की जगह मुफक्किरीन को देना शुरू कर दी, बल्कि ये तक मानने लगे कि मुफक्किरीन आज उम्मत की ज़रूरत हैं, उलमा उम्मत की ज़रूरत थे रहेंगे लेकिन असल जो तरजीह है वो इस वक्त मुफक्किरीन की ज़रूरत है उम्मत को। क्यों ये ख्याल आया और इसके पीछे मुजमरात क्या हैं, मेरी अपनी गुफ्तगू में कुछ चीज़ें इब्तिदा में आएंगी आपके सामने, वह बात वाज होगी। शेख साले आलु शेख हफिज़हुल्लाह ने यही मसला देखा कि उम्मत के एक बड़े तबके के अंदर ये फिक्र पनपती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है कि उलमा के जगह पर मुफक्किरीन को आना चाहिए और उम्मत की इल्मी क़ियादत उलमा के मुकाबले में मुफक्किरीन के हाथ में होनी चाहिए। यह सोच शरई एतबार से कहां तक दुरुस्त है या अगर गलत है तो इसके नुकसानात क्या हैं, क्या हो सकते हैं, इस हवाले से कोई एक वाज़ह किताब, कोई एक वाज़ह मुहादरा, कोई एक वाज़ह किसी का दर्स मौजूद नहीं था। तो शेख साले हफिज़हुल्लाह ने इसी बात को सामने रख कर इस बुनियादी मौजू को उठाया, अल-फिक्र वल-इल्म। अल-फिक्र वल-इल्म, फिक्र किसको कहते हैं और इल्म किसको कहते हैं? फिक्र मुफीद है कि मुज़िर है, और इल्म मुफीद है कि मुज़िर है? फिक्र और इल्म में रिश्ता आपस में एक दूसरे की ताईद का है या इनमें आपस में रिश्ता टकराव और तआरुज़ का है? ये बुनियादी मौजू उठाकर फिर शेख ने आगे चलकर इस बुनियादी हकीकत को वाज़े किया कि मुफक्किरीन का जो तबका है, इन मुफक्किरीन के तबके के हवाले से उनका फ़ायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, बात हो सकती है लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि फ़िक्र इल्म की जगह नहीं ले सकती और मुफक्किरीन उलमा का मुकाम नहीं ले सकते। फिक्र इल्म की जगह नहीं ले सकती और मुफक्किरीन उलमा का मुकाम नहीं पा सकते। उम्मत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दर्जा उलमा का रखा है, जो मुकाम इल्म का रखा है, ये इल्म और उलमा के साथ मुख्तस है और ता क़ियामत यही रहेगा।
इल्म और उलमा ही का ये मुकाम रहेगा, मुफक्किरीन की जमात ये मुकाम नहीं ले सकती। ये किताब का बुनियादी पैगाम है, खुलासा है। अल-फिक्र वल-इल्म, शेख ने फिक्र किसको कहते हैं, इल्म किसको कहते हैं, फ़ायदे और नुकसानात के पहलुओं पे बात करके खुलासा आपको यही दिया है कि उलमा का जो मुकाम है वो रहेगा, वो है, वो मुकाम मुफक्किरीन को नहीं दिया जा सकता। मैं शेख साले आलू शेख के रिसाले के जो मशमूलात हैं उनका खुलासा मुख्तसरन पेश करने से पहले, वो जो बातें शेख ने अलग अलग बयान की हैं, मैं उनको तमहीद के तौर पर, यूं समझिए कि मौजू की वजाहत के तौर पर, कुछ नुकात की शक्ल में आपके सामने पहले रख देता हूं। जब इन नुकात को आप समझ जाएंगे और फिर हम किताब की तरफ आएंगे तो किताब के मशमूलात को उन नुकात की रोशनी में समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्र किसको कहते हैं और फिर फिक्र इस्लामी किसको कहते हैं और मुफक्किर इस्लाम किसको कहते हैं। फिक्र किसको कहते हैं, इंसानी अक्ल का जो इंताज है, इंसानी अक्ल का जो इंताज है उसे हम फिक्र कहते हैं। यानी इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके इस इस्तेमाल के नतीजे में जो चीज़ बाहर उसके सामने आती है, जो चीज़ नतीजे की शक्ल में आती है, उसे लोगों के सामने पेश करता है तो हम इसे फिक्र कहते हैं। फिक्र ये नतीजा है अक्ल के इस्तेमाल का। कोई भी इंसान, आप आम बोलचाल में कहते हैं मेरा ये ख्याल है, मेरी समझ में ये बात यूं आती है, तो आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अक्ल का इस्तेमाल करने के बाद जो नतीजा निकलता है उसे आप पेश करते हैं। तो फिक्र असल में अक्ल के इस्तेमाल का नतीजा हुआ करती है। मैं वापस लौट कर आऊंगा इस मसले पे बात करने के, अक्ल के इस्तेमाल के हवाले से सही मौकिफ क्या, इस पर हम बात करेंगे। फिक्र इस्लामी किसको कहते हैं, फिक्र तो हमने समझा, फिक्र इस्लामी किसको कहते हैं और मुफक्किर इस्लाम किसको कहते हैं, इसका अपना एक बैकग्राउंड है, इसका अपना एक खल्फिया है। 18वीं सदी ईस्वी के बाद से लेकर 19वीं सदी और 20वीं सदी, यानी पिछले तकरीबन 200 साल का जो दौर है, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के सियासी जवाल का ये दौर रहा है। इस्तेमार, चाहे वो ब्रिटिश हो या फिर ये कि फ्रांस का इस्तेमार हो, मुस्लिम मुल्कों पर इन बड़ी बड़ी हुकूमतों ने जिस तरह से गलबा पाया और मुस्लिम इलाकों को, मुस्लिम ममालिक को जिस तरह अपने ताबे कर लिया था, तो सियासी जवाल का दौर मुसलमानों ने देखा। इस सियासी जवाल के साथ कई तरह का जवाल उम्मत ने देखा, इल्मी एतबार से पिछड़े हुए, माशी एतबार से पिछड़े हुए, समाजी सतह पर भी जो मुकाम उनका था कई इलाकों में वो और ज्यादा। यूं समझिए कि एक आम मुसलमान ये देखता था कि मैं बहैसियत मुसलमान मेरी अपनी इज्जत दुनिया की नजरों में खोता जा रहा हूं, दुनिया मुझे इज्जत की नजर से नहीं देखती, मुझे मेरा मुकाम नहीं देती है। ये जो जवाल की सूरत हाल थी, सियासी जवाल भी, इल्मी जवाल भी, समाजी भी, माशी भी, जो जवाल का जो दौर था ना, इस जवाल के दौर में दो तीन बातें बड़ी जो है तेजी के साथ उम्मत के अंदर आम हो रही थी। एक तरफ तो यह था कि गैर मुस्लिम इस्लाम पर एतराज, बड़े शदीद एतराजात कर रहे थे, खासतौर पर मुस्तशरिकीन की तरफ से, ओरिएंटलिस्ट, ये मुसलमानों के मुकद्दसा, चाहे कुरान की बात हो, हदीस रसूल की बात हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात हो, फिकह की बात हो, तारीख़ तशरील इस्लामी की बात हो, सब पर एतराजाद कर रहे थे, जिसके नतीजे में एक तरह से यूं कहिए कि मुसलमानों के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव ये था कि अब वो इस्लाम की तरफ से दिफा करें, इस्लाम की तरफ से दिफा करें। एक, और दूसरी तरफ एक मसला ये था, खास तौर पे सियासी जवाल का असर यह हुआ कि बहुत सारे मुसलमानों के जहन में यह बात पनपने लगी
कि वेस्टर्न कंट्रीज जो मगरबी ममालिक हैं वो इस्लाम को तो माफ कीजिए वो नसरानियत को छोड़कर उन्होंने खालिस सियासत की बुनियाद पर मेहनत की तो वो गालिब आए हैं, और मुसलमान इस्लाम की पाबंदी करने की वजह से पसमानदा हैं, पीछे हैं। वो मजहब को छोड़कर दीन बेजार होकर तरक्की कर रहे हैं, और हम मजहब से जुड़े रहने पाबंद होने की वजह से हम हार रहे हैं, हम पसमानदा हैं। और इसके नतीजे में लोगों में एक रुझान ये बढ़ता जा रहा था कि हम अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम दीन को सियासत से अलग रखें, दीन को पर्सनल मामला रखें, सियासत को सियासत के तर्ज पर हम अपनाएं, और इसी तरह हम दुनिया के अंदर सरबलंद हो सकते हैं। यूं समझिए कि इन हालात का तज्जिया करने में कुछ लोग ये गलती कर रहे थे कि इस्लाम पे अमल करने की वजह से हम पीछे हैं, वो इस्लाम को अपने मसाइल का हल मानने के बजाय अपनी मुश्किलात का सबब समझने लगे थे। आप और हम कहना चाहें तो एक दीन बेजारी का एक माहौल पैदा हो रहा था, लोगों के अंदर दीन से दूरी का एक माहौल पैदा हो रहा था। ये जो दो बड़ी अहम सूरत हाल थी, एक तरफ इस्लाम पर एतराजात और दूसरी तरफ दीन बेजारी का एक माहौल, ऐसे माहौल में कुछ लोगों ने ये सोचा कि हमें ये जो एतराजात आ रहे हैं इनका जवाब देना चाहिए, और जवाब उनकी अपनी जबान में उनके अपने तरीके पर देना चाहिए। जिस अंदाज में वो एतराज कर रहे हैं हम उसी अंदाज में उनका जवाब देंगे, उन्हीं के उसूलों की रोशनी में जवाब देंगे। देखिए एक बात याद रखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के साथ ये फैसला किया है कि ये उम्मत आजमाई जाएगी, वक्तन फवक्तन ये फितने आते जाते रहेंगे, और जहां तक दीन के हवाले से इल्म के हवाले से फितने उठेंगे अल्लाह ताला ने उलमा की जिम्मेदारियों में रखा है कि ये दीन पर होने वाले एतराजात का जवाब देते रहेंगे, उलमा ने दिया भी। लेकिन ये जो एक जवाब देने का मसला था इसमें एक नया रुझान लोगों के अंदर ये पैदा हुआ कि हम इस्लाम का दिफा करेंगे लेकिन इस्लाम का दिफा मुस्तशिकीन को मुस्तशिकीन के अंदाज में जवाब देंगे, जो आदमी जिस अंदाज से आएगा हम उसी अंदाज से जवाब देंगे, जैसे कहा जाता है लोहा लोहे को काटता है। और इसका नतीजा यह हुआ कि आम तौर पर मुस्तशरिकीन ने या इस्लाम पर एतराज करने वालों ने अपनी अकल को बुनियाद बनाया, अपनी अकल को एक आम इंसान की समझ बूझ को बुनियाद बनाया, और इसी अकल के बुनियाद पर इस्लाम पर एतराजात करते थे। ऐसे मौके पर कुछ लोगों ने यह सोचा कि अब इनके एतराजात का जवाब भी अकली होना चाहिए, इनका एतराज भी अकली होना चाहिए, जब वो अकल की बुनियाद पर एतराज कर रहे हैं हम जवाब भी अपनी अकल से देने की कोशिश करेंगे। ये जो चीज हुई ना इसके नतीजे में अब यह होने लगा, है तो मुसलमान, जवाब देने वाले मुसलमान, और चाहते हैं मुसलमानों की भलाई कि इस्लाम की तरफ से दिफा हो और मुसलमानों का एतमाद दीन पर बहाल हो कि दीन हमारे मसाइल का हल है, हमारे मसाइल और मुश्किलात की वजह नहीं है, यही चाह रहे हैं। लेकिन जवाब देने के लिए तरीका उन्होंने कौन सा अपनाया, अक्ल का जवाब अक्ल से देंगे, अक्ल का जवाब अक्ल से देंगे, उनके अकली अकलानी एतराजात का जवाब अपने अक्ल से देंगे। इस नतीजे में एक जहन यह बनता गया कि अब एतराजात का जवाब हम अपनी अकल से देंगे तो इस्लाम के दिफा में अपनी अकल का इस्तेमाल करके जो जवाब दिया गया इन जवाबात को या इस किस्म की मेहनत को फिक्रे इस्लामी कहा गया, इन जवाबात को फिक्रे इस्लामी कहा गया, या दूसरे अल्फाज में और एक मैंने वजह बताई कि मुसलमानों का एतमाद इस पर बहाल रखना कि इस्लाम हर जमाने की तरह इस जमाने में भी उतना ही ज्यादा प्रैक्टिकल दीन है, उतना ही ज्यादा रिलेवेंट है, यानी आज के हालात से मेल खाने वाला, मुताबकत रखने वाला है। ये मैसेज देने के लिए इस्लाम को अपने जमाने के हालात से जोड़ने के नाम पर बहुत सारे मसाइल की नई तशरीह, नई ताबीर, अपने जमाने के हालात से मुताबकत रखने वाला बनाने के लिए कुछ लोगों ने मेहनत की और उसमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। ऐसी मेहनत करके जो किताबें लिखी गई
इन किताबों को फिक्र इस्लामी कहा गया और ये काम करने वालों को मुफक्किर इस्लाम कहा गया। बुनियादी बात आप यूं समझे, मैंने दो बड़ी बातें कही, एक तो मैंने कहा इस्लाम की तरफ से दिफा का मसला था और दूसरी तरफ इस्लाम पर लोगों के ईमान और यकीन को बहाल करने का मसला था। इस मसले को हल करने के लिए लोगों ने दो काम किए, एक तो अक्ल से के जरिए जवाब देने का काम किया और दूसरा यह कि नए जमाने के हालात से इस्लाम को जोड़कर अपने अंदाज में ऐसा समझाने की कोशिश की कि जिसके नतीजे में लोगों के अंदर ईमान और यकीन बढ़े कि यही हालात हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे अगर हम इस्लाम की पाबंदी करेंगे। तो इस सोच के साथ जो किताबें लिखी गई उन किताबों को फिक्र इस्लामी या फिक्री किताबें और ऐसी मेहनत करने वाले अफराद को मुफक्किरीन इस्लाम या मुफक्किर इस्लाम का नाम दिया गया। यह है फिक्र इस्लामी और मुफक्किर इस्लाम। मैं वापस लौटता हूं, मैंने आपके सामने सवाल रखा था फिक्र क्या है, मैंने आपको बताया फिक्र है इंसानी अकल के इस्तेमाल के नतीजे में जो चीज आती है। या सबसे पहले हम और आप एक मसला समझ लें, शरीयत में अकल का दर्जा और मुकाम क्या है, शरीयत इस्लामिया में अकल का मुकाम और दर्जा क्या है, शरीयत इस्लामिया में अकल का मुकाम और दर्जा क्या है। अगर इसका आप जवाब देखेंगे, आप उम्मत की तारीख में देखेंगे, तीन आपको मौकिफ नजर आएंगे। कुछ लोग अकल के बाब में तफरीत का शिकार थे, अकल को उसका मुकाम देने के लिए तैयार नहीं थे, और कुछ लोग इफरात का शिकार थे, अकल ही को उन्होंने सब कुछ समझ लिया था। और इन दोनों के दरमियान अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ है और वो मौकिफ वसतियत पर मबनी है और किताब और सुन्नत की तालीमात से मुताबकत रखने वाला मौकिफ है। ये तीन मौकिफ आपको मिलेंगे। पहला मौकिफ अकल को बिल्कुल अकल के बाब में तफरीद का शिकार लोग, यानी अकल को उसका मुकाम देने के लिए तैयार नहीं। ये सूफिया के अंदर आई बात, सूफिया के अंदर ये बात आई कि वो अल्लाह तबारक ताला तक पहुंचने की राह में अकल को रुकावट समझते थे। वो कहते थे कि आपको अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा बनना है तो अकल को आपको किनारे रखना पड़ेगा, आपको मोहब्बत के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी आप ये सवाल नहीं करेंगे किसी भी मसले पे कि क्यों ये हुक्म, क्यों ऐसा क्यों, आप अपनी अकल का कोई मसला इसमें बीच में नहीं लाएंगे। यहां आपको अंधा बनकर एक तरह से आंख बंद करके आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि सूफिया ने अकल को बहुत पीछे कर दिया और यह कहा कि अकल इस्तेमाल करने वाला गुमराही होता है, अकल इस्तेमाल करने वाला गुमराही होता है। वो यही कहते हैं इबलीस गुमराह क्यों हुआ, उसने अपने अकल को इस्तेमाल किया, कहा अना खैरु मिन खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन। इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला के पास आगे बढ़ना है, जन्नत की तरफ जाना है, आपका काम यह कि आप अकल को छोड़ें, अकल को लेकर आप आगे अल्लाह ताला की तरफ नहीं बढ़ते। ये इनकी गलती थी कि इन्होंने अकल को बिल्कुल कोई दर्जा नहीं दिया। और इनके मुकाबले में मोतजिला का, या उनसे पहले फलासिफा मोतजिला का यह मसला था कि इन लोगों ने अकल को उसके जायज मुकाम से बहुत आगे पहुंचा दिया, अकल को उसके जायज मुकाम से बहुत आगे पहुंचा दिया। और उनके पास मसला क्या था, अकल ही असल है, जो बात अकल से समझ में आती है वही सही है, और नकल जिसे कहते यानी कुरान और सुन्नत को अकल के ताबे कर दिया। यानी जो बात अकल से समझ में आती है वही सही है, वही हक है, वही दुरुस्त है। अब कुरान और सुन्नत की जो भी बातें आएंगी, नुसूस जो भी आएंगे, अगर वो अक्ल के मुताबिक आएंगी तो कबूल कर लिए जाएंगे, और अगर अक्ल के मुताबिक नहीं, अक्ल से टकराने वाली नजर आएंगी तो क्या करेंगे, उनकी तावील करेंगे, आयत की तावील करेंगे, यानी उसको कोई ऐसा माना दे देंगे कि वो हमारी अकल से ना टकराए, हदीस का कोई ऐसा मफहूम बता देंगे हमारी अकल से ना टकराए। मुख्तसर ये कि नकल को अकल के ताबे कर देंगे, कुरान और सुन्नत को अकल के ताबे कर देंगे। अगर मुताबकत रही अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लेंगे, अगर इख्तिलाफ हुआ तो कुरान या सुन्नत की तावील करेंगे
और अगर तावील नहीं हो सकती है तो उसे छोड़ भी देंगे, लेकिन अक्ल जो दलालत करती है, अक्ल जो बताती है, उसी को असल मान कर चलेंगे। ये इफराद था अक्ल के मामले में, अक्ल के मामले में ये इफराद है। इन दोनों के मुकाबले में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ क्या है? उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ ये है कि अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई एक कुव्वत है, अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। अक्ल अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत है, अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है, और ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला की, इसी पर अल्लाह ताला ने इंसान के मुकल्लफ होने का दारोमदार रखा है। शरीयत इस्लामिया का मुकल्लफ होने का दारोमदार अल्लाह ने अक्ल पर रखा है, इसीलिए आप जानते रुफ़ अल-क़लम अन सलफ, और तीनों के तीनों वो हैं जो अपनी अक्ल वक्ती तौर पर या मुस्तकिल खो चुके, चाहे वो सोया हुआ आदमी हो, बेहोश आदमी हो, या पागल आदमी हो, सोया हुआ आदमी हो, या छोटा बच्चा हो। तो ये जो मसला है, अक्ल मदार तकलीफ है कि बंदा इसी अक्ल की बुनियाद पर मुकल्लफ होता है। लेकिन एक बड़ी अहम बात याद रखना, अक्ल जो है मेयार हिदायत नहीं है। मदारे हिदाय मदारे तकलीफ तो है, यानी इसकी बुनियाद पर इंसान मुकल्लफ होता है, लेकिन मेयारे हिदायत अल्लाह ताला ने अक्ल को नहीं बनाया। यानी इंसान अक्ल की बुनियाद पर मुकल्लफ होता है, अक्ल से आजाद होगा तो मजनून है, गैर मुकल्लफ है। लेकिन अक्ल का दर्जा खींचना है, अक्ल का दर्जा यह है कि यह मुआविन है, मददगार है, लेकिन यह खुद मेयार नहीं किसी चीज के सही गलत होने, दीन होने ना होने का मेयार सिर्फ अक्ल नहीं हो सकती। यह अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा वाज़ह मौकिफ है। बात समझ में आ रही है आपके? बात वाज़ह है? ये ठीक है, अगर यह बात आपके सामने वाज़ह है, मैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि की इसी मसले को वजाहत करने वाली एक बात नकल करता हूं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने अक्ल के दर्जे को समझाते हुए एक बड़ी प्यारी बात लिखी। कहते हैं कि देखो, जिस तरह इंसान की आंखों में अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत रखी है, कुव्वत बसारत अल्लाह तआला ने दी है, आदमी के बसारत है ना आंखों में, बीनाई है। एक आदमी ऐसा है जिसके पास मुकम्मल बीनाई है, पूरी बीनाई है, पूरी की पूरी रोशनी आंखों की जरा बराबर मुतासिर नहीं है। आप ऐसी पूरी बसारत वाले इंसान को किसी अंधेरे मुकाम पे छोड़ देंगे तो क्या वो दुनिया की उन सारी चीजों को जैसी हैं हूबहू वैसे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। मिसाल देकर शेख इस्लाम कहते हैं, या तो सूरज और चांद क्या किसकी रोशनी या चराग की रोशनी जब तक बाहर से उसकी मदद नहीं करेगी, ये अंदरूनी जो बसारत की कुव्वत है, कुव्वत बसारत पूरी होने के बावजूद जब तक बाहर की रोशनी उसका साथ नहीं देती, चीजों को उसकी हकीकत के मुताबिक इंसान देख नहीं सकता है। कहा अक्ल की मिसाल भी ऐसी ही है कि अक्ल जो है नूरे बसारत की तरह ये कुव्वत है इंसान के अंदर, इदराक की ये कुव्वत है, चीजों को समझने की ये कुव्वत अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है। लेकिन जिस तरह नूरे बसारत पूरा होते हुए बाहर के एक नूर का मोहताज होता है, ये अक्ल पूरी की पूरी मजबूत और मुकम्मल हो तब भी नूरे शरीयत की मोहताज होती है, तभी शरी हकायक को जैसे के वैसा देख पाती है। ये शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने मिसाल के जरिए बता। इसीलिए अब यहां देखो मसला कहां आता है। किताब सुन्नत की तालीमात की रोशनी में अहले सुन्नत वल जमात इसीलिए कहते हैं कि असल किताब सुन्नत की तालीमात, वो जो खारिजी नूर है अल्लाह ताला की तरफ से जो नूर आया, अल्लाह ने कहा ना قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, वो जो अल्लाह की तरफ से नूर आया, ये नूर असल है। और इस नूर के इदराक के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, या यूं समझिए इस नूर के साथ मिलकर किसी भी चीज की हकीकत की इदराक के लिए अल्लाह ताला ने ये अक्ल की कुव्वत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। इसलिए तरीका हमेशा यह होना चाहिए जो अहले सुन्नत का तरीका है कि एतबार किताबो सुन्नत की बयान करदा हकीकतों का होगा और अक्ल का इस्तेमाल उन हकीकतों को समझने के लिए किया जाएगा। अक्ल का इस्तेमाल उन हकीकतों को समझने के लिए किया जाएगा। और अगर कहीं अक्ल नकल से टकराती नजर आती,
यानी कुरान और सुन्नत में आई हुई किसी बात से हमारी अक्ल टकराती नजर आती है तो हम क्या करेंगे। शेख इस्लाम इब्न तैमिया ने बहुत सादा सा ज़ाबिता दिया है, सबसे पहले ये देखो कि नकल सही है क्या, यानी ये कुरान की आयत है, कुरान की आयत है तो सब सही है। अगर हदीस रसूल है तो क्या सही सनद के साथ ये हदीस साबित है, मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस के पर सही होने का हुक्म लगाया। अगर अल्लाह के नबी से साबित नहीं होती तो बात समझ में आती है कि भाई गलत है, रिवायत ज़ईफ है और अकल से टकरा रही, इसलिए रिवायत को छोड़ दो। लेकिन अगर नकल सही है तो फिर अकल सलीम से वो टकरा नहीं सकती, इसलिए कि इस अकल का जो खालिक रब्बे ज़ुलजलाल है, जो खालिक रब्बे ज़ुलजलाल है, वही रब्बे ज़ुलजलाल ने ये हुक्म भी भेजा है, अला लहुल खल्कु वल अम्र, अल्लाह ताला ही की तखलीक है और अल्लाह ताला ही की तरफ से अम्र यानी शरीयत इस्लामिया आती, इन दोनों में टकराव नहीं हो सकता। अगर फिर भी टकराव नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अक्ल में खलल है, समझ में कहीं कोताही है, अक्ल फिर सलीम नहीं रह गई। इसीलिए अहले सुन्नत यहां कहते हैं कि अक्ल सलीम नकल सही से नहीं टकरा सकती, अक्ल सलीम नकल सही से नहीं टकरा सकती। अगर कहीं अक्ल नकल से टकराती है, अक्ल और नकल में टकराव और तआरुज होता है, तो या तो नकल सही नहीं होगी या अक्ल सलीम नहीं होगी, या तो नकल सही नहीं या फिर अक्ल सलीम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपके? अगर आप ये समझ रहे हैं कि अक्ल के सिलसिले में उम्मत के अंदर कुछ लोग तफरीद की तरफ गए, कुछ लोग इफराद की तरफ गए, और इन दोनों के दरमियान अहले सुन्नत वल जमात वसतियत पर रहे, दरमियानी राह पर रहे, किताब व सुन्नत के राह पर रहे, अगर ये आप समझ रहे हैं, हम लौटते हैं फिक्र इस्लामी और मुफक्किर की तरफ। मुफक्किरीन का मामला असल में यह है कि इन लोगों ने इस्लाम के दिफा में, इस्लाम के दिफा में वो तरीका अपनाया जो तरीका मोतजिला का था, या जो तरीका फलासिफा का था, या जो तरीका बाद में उलमा कलाम या इल्म कलाम के माहिर उलमा कराम का था। मैं फिर दोहराता हूं, ये मसला बड़ा अहम है, कुछ मिसालों से आपके सामने ये बात वाज़े होगी। मुफक्किरीन का जो मनहज है, मुफक्किरीन का जो नहज, जो तरीका है ना, वो तरीका मोतजिला अशायरा और मातुरीदिया के तरीके पर था। उलमा इस्लाम का तरीका नहीं था। उलमा इस्लाम का तरीका क्या है? उलमा इस्लाम का तरीका यह कि किताब और सुन्नत से जो बात साबित है, पहले किताब और सुन्नत से साबित की जाती है और उसके बाद उसी की शरह, उसी की वजाहत, उसी की तफसील, उसी को समझाने के लिए अक्ल का इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज किताब और सुन्नत से साबित है, उसी चीज को ये कितनी माकूल है, समझ में आने वाली, इसके लिए अक्ल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में मोतजिला और उनके नक्श कदम पर चलने वालों का तरीका उल्टा रहा है। अक्ल से जो बात साबित होती है उसको बुनियाद मानते हैं और फिर उसके बाद नुसूस की या तो तावील करते हैं या फिर नुसूस को वो छोड़ दिया करते हैं। ये उनका अपना तरीका रहा है। मुफक्किरीन का मसला क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, और ये बताने के लिए मैं तारीख इस्लाम के पहले एक कदीम तजर्बे का तज़किरा करता हूं। ये जो सूरत हाल मैंने बताई ना कि एक तरफ इस्लाम पर एतराजात हो रहे थे, दूसरी तरफ लोगों का एतमाद मुतजलजल हो रहा था इस्लाम पर, 18वीं 19वीं 20वीं सदी में जो बात मैंने कही, आप यकीन करें इसी से मिलता जुलता एक तजर्बा इससे पहले उम्मत में कदीम हो चुका है। और ये वो दौर था जब फलसफा, यूनानी फलसफा, रूमी फलसफे की किताबों का तर्जमा हुआ, मामून रशीद के दौर में, हारून रशीद के बेटे मामून के दौर में बैतुल हिक्मा जब कायम हुआ और यूनानी और तुरानी किताबें जब फलसफे की तर्जमा की गईं, उस मौके पर इस्लाम पर एतराजात हुए, शुबहात पैदा किए गए, हत्ता कि यही सूरत हाल, एक तरफ इस्लाम के दिफा की जरूरत थी और दूसरी तरफ लोगों का ईमान इस्लामी अकाइद पर बहाल रखने की जरूरत थी। उस दौर में उम्मत में दो तबकात, उम्मत के दो तबकात ने इस फितने का मुकाबला किया बुनियादी तौर पर। एक तबका है मुहद्दिसीन किराम का, मुहद्दिसीन किराम का तबका है
इन्होंने क्या किया, किताब व सुन्नत की जो तालीमात हैं, आयात अहादीस और फहम सलफ सहाबा ताबीन के जो अकवाल हैं, इनके जरिए इस फितने का मुकाबला किया। ये जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान के बारे में एतराजात, अल्लाह के वजूद के बारे में इश्कालात, सिफात बारी ताला के बारे में शुबहात, ये जो फलसफे की बुनियाद पर लोगों ने किए थे एतराजात, मुहद्दिसीन किराम ने किताब व सुन्नत की तालीमात की रोशनी में इनका मुकाबला किया। लेकिन इनके मुकाबले में उम्मत के लोगों में से, उम्मत के अपने उलमा में से एक तबका, जिनको बाद में उलमाए कलाम कहा गया, उन्होंने एक नए इल्म की बुनियाद रखी जिसे इल्म कलाम कहा गया। और ये इल्म कलाम क्या है, अगर आप कहना चाहें तो सादा अल्फाज में फलसफा इंसानी अक्ल की बुनियाद था, यानी फलसफे की बुनियाद इंसानी अक्ल थी, और इंसानी अक्ल ने जो जाबिते तय किए थे उन जाबितों की रोशनी में इस्लामी अकाइद पर एतराजात किए जा रहे थे। तो जवाब देने वाले गिरोह ने भी क्या किया, ये अगर अकली इस्तिदलाल से एतराज कर रहे हैं तो हम भी अकली इस्तिदलाल से उनके एतराज का जवाब देने की कोशिश करेंगे और जवाब देंगे। इस बुनियाद पर जिस तरह फलासिफा ने अपनी अकल इस्तेमाल करके उसूल मुकर्रर किए, इल्मे कलाम के मूजिद इन उलमाए किराम ने अपनी अपनी अकलें इस्तेमाल करके दिफाए इस्लाम की गरज से, बात समझे मेरी, ये बड़ी अहम है, दिफाए इस्लाम के गरज से उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से इल्मे कलाम के नाम पर बहुत सारे उसूल वजा किए। यूं समझिए कि अकली एतराजात का जवाब अकल से देने की कोशिश की। नतीजा क्या निकला, नतीजा वही जिसे शायर ने एक लफ्ज में कहा, हफिज तशई वगाबत अनका अशिया, तुमने एक चीज की तो हिफाजत कर ली लेकिन बहुत सारी चीजें तुम्हारी नजरों से ओझल हो गई। नतीजा क्या हुआ मालूम है, जैसे इल्मे कलाम के उलमा कौन है, अशायरा और मातुरीदिया, उलमाए कलाम अशायरा और मातुरीदिया, अशायरा और मातुरीदिया ने फलासिफा का रद्द किया, मोतजिला पे रद्द किया और बड़ी लंबी किताबें लिखी हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किए, बहुत सारी। लेकिन चूंकि तरीका कौन सा अपनाया था, वो जो अहले सुन्नत का तरीका है कि नकल को असल मानो, किताब व सुन्नत को असल मानो और अकल को नकल के ताबे रखो, इस मनहज को छोड़कर उन्होंने मनहज मोतजिला वाला अपनाया था कि अकल को असल माना और नकल को उसके ताबे रखा। तो नतीजा क्या हुआ पता है आपको, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात में से सिर्फ सात सिफात को वो साबित करते हैं और बकिया सारी सिफात का इनकार करते हैं। यानी यूं हुआ कि आधी बातें रद्द की तो आधी बातें कबूल भी कर ली, थोड़ी बातों का जवाब दिया वहीं बहुत सारी बातों को कबूल भी कर लिया, गलत ही। याद रखें, जब मनहज सही नहीं होता, तरीका सही नहीं होता तो फिर नतीजा सही नहीं निकल सकता। यही तजर्बा लोगों ने पुराने जमाने में किया था और उसके नतीजे में क्या हुआ, इल्मे कलाम के नाम पे एक इल्म भी वजूद में आया, सब हुआ। लेकिन नतीजा यह हुआ कि जिस तरह फलासिफा मोतजिला अल्लाह ताला पर एतराजात, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का इनकार, अल्लाह ताला की सिफात का इनकार, हत्ता के शेखुल इस्लाम ने तैमिया के अल्फाज में अगर कहें, अल्लाह के बारे में ऐसे ऐसे अकाइद कि जिन अकीदों को मानने का मतलब अल्लाह के वजूद ही का इनकार है, ये सारे अकाइद उस उम्मत के अंदर पकड़ने लगे। और इन लोगों ने जब जवाब देने की कोशिश की तो जब मनहज अकल को ऊपर रखने का अपनाया तो फिर हुआ यह कि दिफाए इस्लाम के नाम पर इस्लाम का नुकसान कर बैठे, दिफाए इस्लाम के नाम पर इस्लाम का नुकसान कर बैठे। यह जो माजी में तजर्बा उलमाए कलाम ने इल्मे कलाम के जरिए किया था, वही तजर्बा 19वीं सदी में मुफक्किरीन ने फिक्र इस्लामी के नाम पर किया है। अगर आप उस बाब को समझते हैं, उन मसाइल को समझते हैं, तो फिर आप इसको भी समझिए, जो तजर्बा पुराने जमाने में इल्मे कलाम के ईजाद का सबब बना था, वही तजर्बा नए जमाने में फिक्र इस्लामी की ईजाद का सबब बना। अब यहां क्या हुआ, एक बात तो यह है, सबसे पहले आप और मैं ये समझें कि लोगों ने क्या किया,
एक चीज ये देखी कि जितने मुफक्किरीन हैं या फिक्र इस्लामी जिसे कहा जाता है, चूंकि इसमें दिफाए इस्लाम की बात की जा रही है, चूंकि इसमें इस्लाम पर लोगों के ईमान और यकीन को मजबूत करने की बात की जा रही है, लोगों ने इस बात को देखकर इसे आंख बंद कर अपनाना शुरू कर लिया। बल्कि यहां तक लोगों का जहन चला गया कि अब यह दिफा का काम, ये जो जदीद फितना, नए जो फितने हैं, नए फितनों का मुकाबला मुफक्किरीन के नक्शे कदम पर चलकर ही किया जा सकता है, मुफक्किरीन के नक्शे कदम पर चलकर ही किया जा सकता है। उलमा और इल्म के तरीके पे चलेंगे तो हम इस्लाम का दिफा नहीं कर पाएंगे। इल्म और उलमा पर से एतमाद खत्म होने लगा, फिक्र इस्लामी और मुफक्किरीन को वो जगह दी जाने लगी। ये पूरा बैकग्राउंड है जिसमें यह फिक्र इस्लामी और मुफक्किरीन का वजूद हुआ। मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में दो तीन नुकात ऐसे दे देता हूं जो शेख साले आलू शेख ने जिक्र किए, मिसालें मेरी तरफ से, लेकिन नुकात जो शेख साले आलू शेख की किताब के, दो तीन बुनियादी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात याद रखो, इल्म खैरुन कुल्लो, इल्म जो है हिदायत ही हिदायत, इल्म में हिदायत और गुमराही नहीं, इल्म हिदायत ही हिदायत है, यह नूर है। लेकिन फिक्र वो हिदायत भी हो सकती है, गुमराही भी हो सकती है, बुनियादी फर्क आपको याद रखना पड़ेगा। आलिम और मुफक्किर का फर्क इल्म और फिक्र के फर्क से मुतय्यन होता है। और अगर आप इल्म की बात देखेंगे, कुरान आप पढ़कर देखें, इल्म की अल्लाह ताला ने हमेशा मदह की, हमेशा अल्लाह ताला ने इल्म को तारीफ के साथ ही जिक्र किया है। लेकिन फिक्र की अगर आप बात करेंगे, अल्लाह ने फिक्र की तारीफ भी की है, फिक्र की मजम्मत भी की है। कुरान में अगर आप पढ़ेंगे, कुरान में आपको मिलेगा अल्लाह ताला लिकौमी याकिलून लिकौमी यतफक्करून किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाती, अक्ल तफक्कुर तदब्बुर, ये सब चीजें बताती हैं कि अल्लाह ताला ने अक्ल के इस्तेमाल पर उभारा है, अक्ल के इस्तेमाल की तरगीब दिलाई है। और वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल और फिक्र और नजर की मजम्मत भी की है। कहां की है पता है आपको? अल्लाह ने फरमाया इन्नहु फक्कर व कद्दर फकुतिल कैफ कद्दर सुम्म कुतिल कैफ कद्दर सुम्म नजर सुम्म अबस व बसर। अगर आप इन आयतों को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहां एक खास फिक्र की मजम्मत की है। फिक्र और इल्म का ये बुनियादी फर्क है, याद रखें आप कि इल्म हिदायत है और सरापा हिदायत है, और फिक्र सवाब और खता दोनों को मुहतमिल है, दोनों को मुहतमिल है। बात वाज़ेह समझ में आ रही है? एक बात। दूसरी बात, आप ये बात याद रखें, और ये बात आपको उलमा और मुफक्किरीन के हवाले से याद रखनी चाहिए, दुनिया के जितने मजाहिब अदियान हैं, जितने मजाहिब और अदियान हैं, उन तमाम मजाहिब और अदियान में और इस्लाम में एक बुनियादी फर्क है। वो क्या है? एक बुनियादी फर्क यह है कि तमाम मजाहिब ने, चाहे वो जैसे आसमानी मजाहिब कह जाते हैं यानी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए मजाहिब अदियान हो, या लोगों ने जिसको ईजाद कर लिया अपनी तरफ से, सारे मजाहिब ने अपने दीन की बुनियादी किताबों को जाये कर दिया। किसी के पास अपनी मजहबी किताबें, अपनी बुनियादें महफूज नहीं है, कोई भी सिवाय इस्लाम के, सिवाय इस्लाम और मुसलमानों के। अब उसका नतीजा क्या है? ये जो फर्क है कि इनके पास बुनियादें महफूज हैं, उनके पास बुनियादें नहीं हैं, इसका नतीजा क्या है? नतीजा यहां नजर आता है, आप देखिए। इस तरह अगर आप देखेंगे, हर मजहब के लोगों के पास उनके मजहब की बुनियाद उनकी किताबें ना होकर उनके उलमा, उनके जुआमा, उनके मजहबी लीडर और उस उनके मजहब से दिलचस्पी रखने वाले राइटर कातिब मुअल्लिफीन जो भी होगा, अगर उसकी तवज्जो उसकी मसरूफियत उसके साथ है तो फिर वो मोतबर हो गया। इसलिए उनके पास ये कि आप जो चाहे राय रख सकते हैं, लेकिन सामने वाले की राय को गलत नहीं बोल सकते आप, सामने वाले की राय को गलत नहीं बोल सकते। उसके मुकाबले में इस्लाम का मसला ये है, यहां इस्लाम के नाम पर कोई भी बोले, हर एक की बात को परखा जाएगा। किस बुनियाद पर परखा जाएगा? किताबो सुन्नत के बारे में परखा जाएगा। दो राय आ गई किसी मसले में,
فردوه الى الله والرسول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اور یہاں چاہے کسی کی بھی رائے ہو اگر وہ صحیح معیار پہ کھری نہیں اترتی ہیں ان کو رد کیا جائے گا, ان کو رد کیا جائے گا. کل یؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر. یہ ایک ایسا بنیادی فرق ہے تمام ادیان و مذاہب اور اسلام کے اندر جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اگر یہ فرق ہم سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بات عام طور پر لوگ نظر انداز کرتے ہیں. اگر اس فرق کو آپ سمجھتے ہیں تو اسلام کی ترجمانی کا حق صرف علماء کو حاصل ہوگا. اسلام کی ترجمانی کا حق علماء کو صرف حاصل ہوگا. دنیا میں دیگر مذاہب میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی مفکر قسم کا جو اپنا دماغ استعمال کرتا ہے, اپنی محنت لگاتا ہے, وہ کسی بھی دین کے بارے میں بولے تو اس کی بات, اس کی رائے کا ایک وزن ہوگا. لیکن اگر اسلام کے بارے میں بات ہوگی تو کسی بھی مفکر کی رائے صرف رائے ہوگی, وہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے, یاد رکھیں. اسی لیے ایک بات یاد رکھیں یہاں آپ کہ جب ہم فکر اسلامی کی بات کرتے ہیں یا مفکرین اسلام کی بات کرتے ہیں, یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مفکر اسلام کا یا پھر یہ کہ فکر اسلامی کی تعبیر لے کر چلنے والوں کی نیت ہو سکتا ہے خالص ہو, وہ خدمت اسلام کرنا چاہتے ہو, لیکن طریقہ انہوں نے جو اپنایا ہے یہ وہی طریقہ ہے جو ماضی میں علم کلام کے لیے اپنایا گیا تھا. اور جس طرح علم کلام نے بظاہر معتزلہ کا رد کیا, فلاسفہ کا رد کیا, لیکن اس کے باوجود امت کے حق میں علم کلام کے نقصانات, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اگر آپ پڑھ لیں, امام شافعی نے علم کلام کی مذمت میں جو کہا ہے آپ کو پتہ چلے گا وہی بات فکر اور مفکرین کے بارے میں کہی جائے گی. میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فکر اسلامی یا مفکرین اسلام کا جو طبقہ ہے یہ اصل میں وہی معتزلہ, اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا یہ امتداد ہے, انہی کا تسلسل ہے. نئے زمانے میں نئے حالات میں پھر سے ایک مرتبہ نیا تجربہ کیا گیا ہے, لیکن منہج اور طریقہ وہی اپنایا گیا ہے. اور شیخ صالح آل الشیخ نے اس پوری کتاب کے اندر اسی بنیاد کو سامنے رکھ کر یہ بتایا ہے کہ فکر جو ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے اسلام کی ترجمانی علم کرے گا, علماء کریں گے. مفکرین اگر ترجمان اسلام سمجھ لیے گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی نمائندگی کے سلسلے میں بہت بڑا جھول, بہت بڑا خلل در آئے گا. یہ اس کتاب کا بنیادی پیغام ہے جو شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ نے اس میں ذکر کیا. اس کتاب میں شیخ صالح آل الشیخ نے کیا کیا باتیں ذکر کی ہیں, میں بڑی تیزی سے صرف اس کتاب کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں. آغاز میں شیخ نے یہ فکر اور علم کا جو موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بتایا. وہی خلفیہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا نا کہ 19ویں 20ویں صدی میں اسلام پر اعتراضات اور مسلمانوں کا ڈگمگاتا ایمان, اس خلفیہ کو ذکر کیا. دوسرے نمبر پر آگے بڑھ کر شیخ صالح آل الشیخ نے جو بات اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے ہمارے سامنے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مفکر کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں. عالم کی بنیاد علم ہوتا ہے, قرآن ہوتا ہے, سنت ہوتی ہے, صحابہ کی سمجھ ہوتی ہے, ایک عالم کی بنیاد ہوتی ہے. مفکر کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ شیخ صالح آل الشیخ نے ذکر کیا, سب سے پہلے تو ایک مفکر کے پاس مضبوط علم سے زیادہ ثقافہ عامہ, جنرل نالج اس کی بنیاد عام طور پہ ہوتی ہے. یعنی کسی بھی فن کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں, کسی بھی علم کو اس کی نزاکتوں کے ساتھ حاصل کرنے والا نہیں ہوتا عام طور پہ مفکر. ہاں مفکر کے پاس جنرل نالج ہر ٹاپک سے متعلق ہوتی ہے, پہلی بنیاد اس کا جنرل نالج ثقافہ عامہ, اور دوسری بنیاد اس کی ہوتی ہے اس کا اپنا نقطہ نظر جس سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے. اور دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہر آدمی کا الگ ہو سکتا ہے, ہر مفکر کا الگ ہوتا ہے. تو پہلے تو وہ اپنا جو ثقافہ عام ہے, جنرل نالج, اس کو بنیاد بناتا ہے. دوسرا دنیا کے حالات, امت کے حالات, یا کسی شرعی مسئلے پر اعتراض ہو رہا ہے اس مسئلے کو وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے. اور یہاں خلل یہ آتا ہے کہ ہر آدمی کا نظریہ یا نقطہ نظر اس کا اپنا ماحول بناتا ہے,
वो जैसे माहौल में रहेगा वैसे माहौल में, अगर किसी ऐसे माहौल में जीता है जहां पे इस्लाम पे खूब एतराजात होते हो, तो पहले ही से उसके अंदर इस्लाम को लेकर जो है डिफेंसिव मिजाज यानी दिफाई अंदाज आ जाता है, वो शर्माने वाला अंदाज, वो इस्लाम के तई शिकस्त खुर्दा जहनीत लेकर जीने वाला। तो क्या दूसरी बुनियाद जहां से मुफक्किर नताइज अक्स करता है, उसके मसादिर में से दूसरी अहम बुनियाद ये उसका अपना नजरिया नुक्ता नजर होता है, चीजों को देखने का जाविया नजर होता है, और इस जाविया नजर का दारो मदार भी उसकी अपनी तरबियत के एतबार से अलग अलग होता है। और तीसरी वजह, तीसरा उसका मसदर जहां से फिक्र एक मुफक्किर की बनती है, कहा वो फिक्री तौर पर अपने से पहले जिन लोगों की किताबें पढ़ रहा होता है उनकी फिक्र का गुलाम होता है। आलिम दीन जो होता है वो किताब व सुन्नत के नुसूस से बंधा होता है। मुफक्किर आम तौर पर जिस अपने से पहले वाले मुफक्किर को पढ़ता है उसके अपने अफकारों नजरियात के ताबे उसकी फिक्र होती है। जैसे मान ले कोई सैयद कुतुब को पढ़ता है, या हिंदुस्तान के अंदर मौलाना मौदूदी को पढ़ता है, या फिर ये कि नए जमाने में मौलाना वहीदुद्दीन खान को पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते आदमी की अपनी फिक्र भी उसी तर्ज पर सोचने वाली बन जाती है। तो कहा एक मुफक्किर के जो मसादिर हैं जहां से उसकी फिक्र तश्कील पाती है उसमें और एक आलिम की जो बुनियादें हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क है। बात समझ में आ रही है, बात वाज़े है, अच्छी बात। अगला मसला शेख ने ये जिक्र किया है, क्या फिक्र या मुफक्किरीन की जितनी किताबें हैं ये शर महज है, यानी इसमें शर ही शर है, कोई खैर नहीं है। यहां बड़ा अहम नुक्ता शेख सालेह आलू शेख ने किताब में बयान किया। वो ये कहते हैं कि नहीं, उसके कुछ फवाइद हो सकते हैं। ये जो मुफक्किरीन का तर्ज है या फिक्र इस्लामी के नाम पे लिखा गया लिटरेचर है, लिटरेचर, इसका कुछ फायदा भी हो सकता है। हमेशा किसी चीज के गलत होने के लिए जरूरी नहीं कि वह शर्र महज ही हो, उसके अंदर कुछ फायदा हो सकता है। जैसे शेख सालेह आलू शेख ने दो फायदों का तज़किरा किया। एक फायदा तो शेख सालेह आलू शेख ने यह बताया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस किस्म का लिटरेचर पढ़े हुए होते हैं, आप जब उनको सही बात इल्मी इस्तिलाहात में अपनी जबान में किताब और सुन्नत के नुसूस की रोशनी में समझाना चाहते हैं तो अक्सर आपकी सही बात उनको समझ में नहीं आती। फिक्री लिटरेचर का एक फायदा, अगर फायदा कहा जाए तो यह हो सकता है कि आप उस लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुखातब के जहन को समझकर मुखातब के अंदाज में सही बात समझाने के काबिल हो सकते हैं इन किताबों की वजह से। मान ले एक आदमी इस्लाम पर एतराजात कर रहा है, एतराजात कर रहा है, गैर मुस्लिम है, आप अगर कुरान और सुन्नत के नुसूस उसे सुनाएंगे यकीनन जवाब कुरान और सुन्नत के अंदर है, लेकिन अगर आप उसे उसकी जबान में जाके समझाएंगे तो हो सकता है वो ज्यादा जल्दी समझ जाए, उसके एतबार से ज्यादा बेहतर हो जाए। ऐसा फायदा इन किताबों के अंदर हो सकता, एक बात। और दूसरा फायदा शेख ने उसका यह गिनाया है मिसाल के तौर पर कि जब यह किताबें खास तौर पर रद में लिखी गई हैं तो हो सकता है बहुत सारे रुदूद मुफीद हो, कार आमद हो, बहुत सारे रुदूद ऐसे हो जो मुफक्किरीन ने ही लिखे लेकिन वो रुदूद सही हैं, तो उम्मत के दिफा के हक में इन रुदूद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कुछ फायदे यकीनन हैं फिक्री किताबों के अंदर, लेकिन इनके मुकाबले में इनके नुकसानात की अगर बात करें तो इनके नुकसानात इस कदर ज्यादा हैं कि इस बुनियाद पर इस फिक्र इस्लामी के मनज को मुफक्किरीन इस्लाम के तर्ज तफहीम को, तर्ज दिफा को इस्लाम की तर्जुमानी का नाम देना बहुत बड़ी गलती होगी। ये शेख सालेह आलू शेख ने जिक्र किया और फिर उसके बाद उन्होंने नुकसानात गिनाए कि मुफक्किरीन के तर्ज पर अगर आप दिफा इस्लाम का काम करते हैं, मुफक्किरीन के तर्ज पर लोगों के ईमान को ईमान पर दीनों ईमान की बातों पे बहाल करना चाहते हैं तो नुकसान क्या होगा। कई नुकसानात शेख ने गिनाए हैं, उन नुकसानात में सबसे पहला बताया कि आम तौर पर फिक्री किताबें पढ़ने वाले अफराद के अंदर इल्म से रिश्ता कमजोर हो जाता है, वो इल्मी किताबों से फिर रिश्ता नहीं जोड़ पाते, इल्मी किताबों पर से उनकी रगबत बाकी नहीं रह जाती, और इसका ताल्लुक वहीं से है। आदमी जब अक्ल की गुलामी करने लगता है ना तो फिर नुसूस की गुलामी उसे भारी पड़ने लगती है, और उसी का असर है कि जो नस्ल फिक्री किताबों पर तरबियत पाती है वह इल्मी किताबों से अपना रिश्ता मजबूत कभी नहीं रख सकती। सबसे बड़ा नुकसान है यह।
और ये मिसाल मैं आपको मेरी अपनी ज़िंदगी जो मैंने तलबा हमारे अपने साथियों में देखा है, ऐसे हमारे साथी जो इस फिक्री किताबों के रसिया हैं उनके अंदर हमने देखा है इल्मी किताबें वो पढ़ नहीं पाते हैं। फिक्री किताबें दे दे 200 सफात की किताब बैठकर यकसुई के साथ ख़त्म कर लेगा, कोई इल्मी किताब दे दें 10 सफ़े बड़ी मुश्किल से पढ़ पाएगा। ये तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, शेख ने जो बात लिखी हमने अपनी आंखों से देखा है। ये एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि फिक्री किताबें इल्म से आपको काट देंगी और इल्म से नहीं साथ में उलमा से दूर करेंगी। दूसरा नुकसान शेख ने ये जिक्र किया है, जब बुनियाद फिक्र पर हो हर दो इंसान की फिक्र जुदा है तो नतीजे में मुफक्किरीन की किताबें जब बढ़ेंगी उम्मत के एक ही मसले को लेके हर मुफक्किर अपनी अपनी राय देगा, इसके नतीजे में उम्मत में तफरका बढ़ेगा, फिरकाबंदी बढ़ेगी, उम्मत के अंदर अफकारों नजरियात का तारुज और टकराव बढ़ता जाएगा, यह तफरका बढ़ेगा। यह दूसरा बड़ा नुकसान है इन फिक्री किताबों का या फिक्री लिटरेचर का। तीसरा नुकसान शेख ने यह गिनाया है कि इसके नतीजे में होगा यह कि उम्मत दीन का जो हकीकी मसदर है या दीन की जो हकीकी सूरत है उससे उम्मत दूर होती चली जाएगी। दीन जो असल में इल्म का नाम है, दीन जो असल में किताब व सुन्नत का नाम है, इसको अपनाने के बजाय मुफक्किरीन ने दिफा के नाम पे जो जिक्र किया उस दिफा को ही इस्लाम समझने लगेगी। और दिफा में कई बार आदमी क्या करता है, हकीकत की सही तर्जुमानी से ज्यादा सामने वाले के इश्काल का इजाला करने की फिक्र में लग जाता है और कई बार दिफा करते करते वो एक तीसरी बात ले आता है। एक मोतरीज का एतराज था, एक इस्लामी शरीयत की बयान करदा हकीकत थी, और इन दोनों में जमा की सूरत पैदा करते करते ये मुफक्किर एक तीसरी बात लोगों के सामने जिक्र कर देता। अब एक मिसाल आपके सामने देता हूं, एक बड़ा मसला है पुराने जमाने से चला आया है और वो मसला ये है कि हजरत खिदर अलैहिस्सलाम नबी थे या वली थे, हजरत खिदर नबी थे या वली थे, ये पुराने जमाने से इख्तिलाफ चला रहा है। सूफिया कहते हैं कि ये वली थे और राजह मसला इसमें ये है कि वो नबी थे हजरत खिदर अलैहिस्सलाम। अब एक मुफक्किर साहब ने इस मसले को इख्तिलाफ खत्म करने के लिए कहा, मैं तो कहता हूं कि वो मलक थे, फरिश्ता थे, वो मलक थे फरिश्ता थे। एक नई बात ये होता है, ये बड़ी अहम बात है, आप इसको इसमें ले। वो कोशिश ये करें, वो दिफाए इस्लाम, उनको लगता है जैसे ही मैंने मलक कहा 1400 साल का जो इख्तिलाफी मसला था उसे मैंने खत्म कर दिया। अब उनको ये नहीं समझ में आया इनके समझ लेने से कि वो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ तो वो इख्तिलाफ तो चलेगा, अब तक लोग दो राय से लड़ते थे अब तीसरी राय से लड़ना पड़ेगा। यह बहुत अहम मसला है। तो ये जो है एक आदमी सही इस्लाम की तर्जुमानी करते करते करने के नाम पर अक्सर व बेशतर ये मुफक्किरीन के अंदाज पे जब काम करता है इस्लाम की हकीकी तर्जुमानी से बहुत दूर निकल जाता है। तो ये नुकसान गिना है। और उसके बाद शेख ने अपनी किताब में अगला जो मसला जिक्र किया है, कहा कि मैं जो मुफक्किरीन है उनसे खिताब करता हूं, यानी जो मुफक्किरीन इस तर्ज तफहीम को तर्ज दिफा, चाहे वह इस्लाम की तफहीम और तशरीह के नाम पर काम करना चाहते हो या इस्लाम के दिफा के नाम पर करना चाहते हो, फिक्री उसलूब जो अपनाना चाहते हैं फिक्री अंदाज उनको और उसके साथ इस किस्म के लिटरेचर पढ़ने वाले लोगों को कुछ नसीहतें मैं कर रहा हूं, इन बातों को वो ख्याल रखें। और शेख ने यहां 5 नसीहतें उनको की। सबसे पहली नसीहत यह की है कि आपको अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसन फलहु अजरुहा, और वहीं व अजरु मन अमिला बिहा मिन गैरि अन यनकुस ذلك मिन उजूरिहिम शैया व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सैया। यानी आपको यह डरना चाहिए अगर आप दिफाए इस्लाम के नाम पर तफहीम इस्लाम के नाम पर कुछ नई ऐसी बात कर रहे हैं जो सही नहीं होगी जब तक ये गलत तफहीम गलत तशरीह उम्मत में बाकी रहेगी, इसका वबाल आप पर आता रहेगा। इसलिए इस्लाम की तफहीम और इस्लाम के दिफा के नाम पर ये जो फिक्री इस्लामी के नाम पे नई बातें इनकी तर्जुमानी करते हुए आपको अल्लाह ताला का डर अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। ये पहली नसीहत शेख ने की है। दूसरी नसीहत शेख ने की है, कहते हैं अलखुदू लिल इल्म, कहा कि मुफक्किर आमतौर पर वो अकली बरतरी के एहसास में जीता है, अकली बरतरी के एहसास में जीता है। आदमी को चाहिए ऐसे मुफक्किर को कि वो इल्म के सामने आजिज होना सीखे।
यानी दूसरे अल्फाज में वही बात जो मैंने इब्तिदा में कही कि अक्ल और नकल की जब बात आती है, नकल ऊपर है, अक्ल नकल के ताबे है। जैसे हमारी जिस्मानी बंदगी होती, हम सर झुकाते हैं, हम अपने हाथ बांधते हैं, हम अपने पैर रोके रखते हैं, हम अपनी निगाहों को रोके रखते हैं, ये अल्लाह की बंदगी है, ये हमारे आज़ा की बंदगी है। ऐसे ही अक्ल की भी एक बंदगी, और अक्ल की बंदगी ये है कि हम अपनी अक्ल को अल्लाह ताला की किताब व सुन्नत के बताए हुए हकीकतों के ताबे रखें। अलखुज़ू लिलइल्म, आदमी को चाहिए कि अपने अक्ल को इल्म के ताबे करके रखे। ये दूसरी बड़ी अहम नसीहत की है। इसके बरक्स लोग जो जी रहे हैं वो अक्ल की बरतरी और नकल यानी किताब और सुन्नत की उसकी मातहती में लाने वाले मिजाज के साथ जीते हैं। ये मिजाज बदलना चाहिए। अलखुदू लिलइल्म, इल्म के सामने आजिज होकर अपने अफकार नजरियात को तब्दील करने, इसलाह करने वाला मिजाज मुफक्किरीन को अपने अंदर पैदा करना चाहिए, और यही बात उन किताबों के पढ़ने वाले लोगों के अंदर भी आनी चाहिए। मुफक्किर चाहे किसी दूर की दुनिया की कौड़ी लाए, जो बात किताब व सुन्नत के दलाइल से मेल ना खाती हो वो किसी काम की नहीं। ये दो टोक मौकिफ आपके अंदर होना चाहिए। तीसरी नसीहत शेख ने की है, ला युदखिल नफ्सहु फी कुल्ली शय। मुफक्किरीन का एक मसला होता है, वो हर मैदान के चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन हर मैदान के चैंपियन अपने अंदाज। यानी आप उनको अकीदे में पूछिए, उनकी अपनी एक राय है। फिक्ह में पूछिए, उसमें अपनी एक राय। सुलूक और तरबियत की बात कीजिए, उसमें भी अपनी एक राय। सब में अपनी एक राय, लेकिन सब में बोलेंगे। मुफक्किरीन को यह समझना चाहिए, अगर आपने अपने लिए दिफाए इस्लाम का मसला लिया था, दिफाए इस्लाम की हद तक रुक जाएं, और उससे आगे अगर आप तफहीम इस्लाम की बात करते हैं, तफहीम इस्लाम का काम जिस तर्ज पे आप कर रहे हैं यह तर्ज सही नहीं, इसको आपको समझना चाहिए। यह एक बड़ी अहम है कि ला युदखिल नफ्सहु फी कुल्ली शय, हर मैदान में अपनी नाक घुसेड़ने वाला काम ना करें। और आमतौर पर मुफक्किरीन को आप देखेंगे, वो कहीं होंगे किसी एक मैदान के माहिर, और मैदान भी शरई नहीं, तखस्सुस उनका कोई एक होगा, लेकिन हर मैदान में वो गुफ्तगू करेंगे। ये मुफक्किरीन को तीसरी नसीहत शेख ने की। और चौथी नसीहत ये की है, इस बात का ख्याल रखो कि तुमको लगता है मैंने एक नई बात उम्मत के सामने रखी, उसको लगता है मैंने एक नई बात उम्मत के सामने रखी, तीसरे को लगता है मैंने एक नई बात रखी। आप सबको मिलकर यह सोचना चाहिए, आप तीन लोगों की तीन बातों ने उम्मत में तीन फिरकों की बुनियाद डाली है। अदमुल हिर्स, अल हिर्स अला अदम तफरीकतिल उम्मा, उम्मत को बांटने से बचें। और उम्मत को बांटने से कैसे बच सकेंगे, जब आप सब इल्म के ताबे रहेंगे तो इल्म लोगों को जमा करता है, फिक्र लोगों को मुंतशिर करती, लोगों को बांटती है। यह फर्क आपको समझना चाहिए। और पांचवीं नसीहत शेख ने एक बड़ी अहम नसीहत की है, और वह नसीहत यह है कि ला यरा नफ्सहु फौकल यानी फौक मुस्तवल इंतकाद, अपने आप को तनकीद से बालातर कभी मत समझें। मैं एक बात बताऊं आपको, ये मेरा तजर्बा है, मुफक्किरीन के साथ तजर्बा कम है, मुफक्किरीन का लिटरेचर पढ़ने वालों के साथ ये मेरा तजर्बा है। वो क्या है, मुफक्किरीन सब पे तनकीद करते हैं और उनको हक है तनकीद करने का, लेकिन अगर आपने पलट कर मुफक्किर पे तनकीद कर दी तो कियामत खड़ी हो जाती है। यानी वो किसी पर भी 1400 साल के सारे उलमा पे एक झटके में, एक सतर में सबको नकार देते हैं, लेकिन अगर आपने पलट कर मुफक्किर पे तनकीद कर दी तो फिर लोग कयामत खड़ी कर देते हैं। बाज मुफक्किरीन को हमने देखा, लेकिन मुफक्किरीन से ज्यादा मुफक्किरीन का लिटरेचर पढ़ने वालों के अंदर यह देखी। इसीलिए शेख ये नसीहत पांचवीं और अहम नसीहत करते हैं, सबसे पहले यह बात याद रखो, उलमा भी नहीं है तनकीद से बालातर, अगर वो गलती करें तो आप तो बदर जाओला, इसलिए कि आपकी बुनियाद इल्म पर नहीं है। तो आप अपने आप को तनकीद से बालातर ना समझें। अगर आप इन चीजों की इसलाह करेंगे तो जो मेहनतें लिटरेचर, फिक्री लिटरेचर के नाम पर आपने उम्मत के सामने पेश किया है, हो सकता है इसमें से खैर का पहलू निकालकर उम्मत का भला किया जाए। और अपने रिसाले के इख्तिताम में शेख ने फिर इल्म की फजीलत और इल्म के समरात, फिक्र की इन सारी, यूं समझिए कि फिक्र की इन सारी गुमराहियों के बाद इल्म के फवायद और समरात पर शेख ने गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू करके यही बताया है कि इल्म ही हिदायत है, इल्म ही हिदायत है, और उलमा ही दीन के तर्जमान है, उलमा ही दीन के तर्जमान है। अगर आपने ये उन्वान समझा है तो ये उन्वान नए दौर का जो मसला हम और आप उलमा और ब्रदर्स, उलमा और ब्रदर्स कहते हैं, ये वही दुनिया है सारी की सारी।
शक्ल नहीं है, अंदाज नया है, मसला वही है जो पुराने ज़माने में था। ये जो किताब शेख साले आलो शेख की थी, मैंने जैसे कहा कि इस किताब का खुलासा आपके सामने जिक्र किया है, लेकिन उससे पहले आपके सामने जो तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने रखी है, इन दोनों बातों को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो शेख की किताब का जो रिसाला, जो मैसेज, जो पैगाम है वह आपके सामने वाज़ेह होगा। मुख्तसर अल्फाज में यूँ कहिए कि इल्म अंबिया की वरासत है, इल्म आसमानी नूर है, अक्ल अल्लाह की नेमत है जिससे आदमी इल्म के समझने और उसके बरतने का सलीका सीखता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी अक्ल ही को बुनियाद बना ले तो फिर वो बात मैंने कही ना कि फिक्र को अल्लाह ने उसकी तारीफ भी की है और मजम्मत भी की है, और जो आदमी ये फर्क ना करे तो फिर आदमी फिक्र की गुलामी के नाम पर अल्लाह ताला की बंदगी के दायरे से निकलता चला जाएगा, अल्लाह ताला की बंदगी की से बाहर निकलता चला जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को अहले इल्म की इस किस्म की जो कीमती किताबें, छोटे बड़े रसाइल हैं और जो उनके लेक्चर्स, जो मुहाजरात हैं, इनको सही अंदाज से, मेहनत से पढ़कर अपने फिक्र, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना मनहज, अपना अंदाजे तलब इल्म, इन सब चीज़ों की इस्लाह करने के तौफीक अता फरमाएं, और अल्लाह ताला दीन की समझ के, सही समझ के साथ सही अंदाज से दीन पर अमल पैरा होने के तौफीक अता फरमाएं। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।